दिल्ली मद दुर्नीति आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तारी पर बर्षिला बीजेपी प्रेसमिट कर बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पत्र दिल्ली मद दुर्नीति केजरीवाल संजय सिंह मिछ कहते मनी लॉन्ड्रिंग मामलें संजय सिंह गिरफ होती संजय सिंह घर जदि किसी मिलनी ताले गिरफ कहीं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार डन पलटि से कहते आईनता कम कर पुणी से ही आईन को समालोचना कौन पाई संजय सिंह दिनेश अरोरा निजे फोन करते दिनेश अरोरा बहु रहस्य खुलासा कर प्रथमे उपमुख्यमंत्री आउ एबे बंधा होती सांसद दिल्ली में आप सरकार आनी मद नीति में बड़ दुर्नीतिर सन्देह करुला ईडी एने खोलताल आरंभ करने प्रथमे दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्त कर आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्त कर ईडी बुधवार आप सांसद संजय सिंह को घरे ईडी छापा मार दस घंटार जेरा कर आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्त कर आम आदमी पार्टी का चरित्र है सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। शराब घोटाले को लेकर ये जो लीकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं वह भी केस दर्ज करता है और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह के कहने पर एक्साइज के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोड़ा को मदद दिया। शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा और राजस्व कम आए ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। यह पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ है। बंधुगण भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे, आज दोबारा यह सवाल शराब नीति को लेकर संजय सिंह को लेकर मनीष सिसोदिया को लेकर मैं दोबारा पूछता हूं क्योंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में और क्यों किया ऐसे कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए, उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला, क्या कारण था आपने बदला? जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।